हेलो एवरीवन, आज हम सिर्फ आलू से बहुत ही फटाफट बन जाए और ऐसा चटपटा नाश्ता कि घर पर बच्चे और बड़े सभी पसंद करें, इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं और इसे आप पार्टी स्नैक्स भी कह सकते हो। ये जितना डिफरेंट दिख रहा है खाने में उतना ही स्वादिष्ट है और बनाने में तो बहुत ही आसान है। घर की ही सामग्री से बन जाएगा और यकीन मानिए, इसे देखने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे इसे बनाने से। तो देखिए एकदम अलग तरीके से। नमस्ते दोस्तों, व्रत के लिए अगर ऐसा कुछ खाने मिल जाए तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ कि बहुत ही कम मसाले, बहुत ही झटपट बन जाए ऐसी रेसिपी जिसे आप हमेशा व्रत में यही बनाना पसंद करोगे। तो यहाँ पर हमने लिया है उबले हुए आलू। आलू को मैंने यहाँ पर 60-70% बॉइल किया है। यहाँ पर अंदाजे से मैंने 6-7 आलू ले लिया है। आलू को ओवर बॉइल नहीं करना है और यहाँ पर आलू को हमने अच्छे से पहले मैश कर लिया है। आप यहाँ पर आलू के बदले में कच्चे केले का भी यूज कर सकते हो, स्वाद अनुसार नमक भी ले लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट, 2-3 चम्मच के जितना ताजा हरा धनिया, इसे भी हम बारीक कट करके ले लेंगे। आप इसमें मिंट लीव्स भी ले सकते हो। 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च, लौंग और दालचीनी का मिक्स पाउडर है जिसे मैंने गरम मसाला बना दिया है। इसे सारी सामग्री को मिक्स कर लेंगे और देखिए हमारा ये आलू का मिश्रण में से हम छोटी छोटी सी नींबू से भी छोटी साइज की ऐसे टिक्कियां बना लेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा बड़ी टिक्की नहीं बनानी है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच आरारूट ले लिया है जिसे हम व्रत में भी खा सकते हैं। ये आपको कोई भी किराना स्टोर में इजीली मिल जाएगा। इसमें स्वाद अनुसार पिंक सॉल्ट लेकर थोड़ा सा पानी डालकर इसका मिश्रण हम बना लेंगे, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला। आप इसमें से जो सामग्री व्रत में नहीं खाते उसे स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पर 2 कच्चे आलू को हम छील लेंगे। आप चाहे तो इसको छिलके के साथ भी बना सकते हो। और अब यहाँ पर मैंने टूथपिक को कुछ 10-15 मिनट पहले पानी में भिगो कर रखा था और यहाँ पर जो कच्चे आलू है ना, इसकी हम पतली पतली सी चिप्स की तरह कट कर लेंगे। ज़्यादा मोटा हमें नहीं कट करना है वरना हमें इसको फोल्ड करने के लिए आसानी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हमने टिक्की बनाई है उसे हम पहले आरारूट के मिश्रण में डिप करेंगे और जो हमने कच्चे आलू का चिप्स बनाया है इसके अंदर हम इस तरह से इसकी बोट बना देंगे और फिर टूथपिक की मदद से इसको दोनों के बीच हम टूथपिक को अरेंज कर देंगे। तो है ना एकदम इजी मेथड और एकदम यूनिक। और फिर से हम इस तरह से आरारूट के मिश्रण में हम डिप कर लेंगे। अगर आप व्रत के लिए नहीं बनाते हो तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो। और देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसको टूथपिक में अरेंज कर दिया है। हमें सिर्फ आलू की चिप्स जो है ना पतली ही कट करनी है, अगर मोटी होगी तो वो बैंड नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर एक बाजू तेल भी हमारा गर्म है तो गर्मा गर्म तेल में हमारे ये आलू के नाश्ते को डीप फ्राई कर देंगे। हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे क्योंकि जो हमारा अंदर का लेयर है वो पहले से ही पका हुआ है, सिर्फ आउटर लेयर जो चिप्स है उसे ही हमें क्रिस्पी कर लेना है। तो हमने इसको अच्छे से तल लिया है और गैस की फ्लेम हाई पर ही रखेंगे हम। आप ये नाश्ते को एयर फ्रायर में भी बना सकते हो और हाई फ्लेम होगा तो ये नाश्ता तेल भी ज़्यादा सोक नहीं करेगा। तो तैयार है हमारा ये आलू का चटपटा और टेस्टी नाश्ता और बहुत ही यूनिक और बहुत ही कम सामग्री वाला। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिख रही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए। आप ये नाश्ते को टोमेटो केचप या तो फिर मैंने आपके साथ बिना नींबू की चटनी रिसेंटली शेयर की है उसके साथ भी सर्व करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए आराम से टूथपिक भी निकल जाती है और बहुत ही इजीली और खाने में तो एकदम लाजवाब है। तो मैं पारुल जल्दी से मिलूंगी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।